MIUI 14 या HyperOS के लिए अगर आपको एक प्रीमियम थीम चाहिए तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो। अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक और चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आता है तो पहले एक वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिले। तो ये थीम अप्लाई करने के बाद आपको रियलमी UI से इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिल जाएगा। सभी आइकन्स का शेप और लुक चेंज हो जाता है, एक भी आइकन्स आपको इस आइकन पैक में मिसिंग नहीं देखने को मिले, मतलब ऑलमोस्ट सभी आइकन्स चेंज हो जाता है ये थीम अप्लाई करने के बाद। आपका होम स्क्रीन, गूगल का फोल्डर, टूल्स का फोल्डर, सभी जगह आपको नया आइकन्स देखने को मिलता है। देख सकते हैं सब कुछ आइकन्स और आइकन पैक देखने को मिलता है जो कि रियलमी UI से इंस्पायर्ड आइकन्स है। और कंट्रोल सेंटर भी आपका चेंज हो जाता है, बट ये थीम अप्लाई करने के बाद कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं कर पाता HyperOS का कंट्रोल सेंटर को। और फिर आपको सेटिंग्स का UI काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, इसका वॉलपेपर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। होम स्क्रीन, फुल स्क्रीन में ऐसा कुछ लुक देखने को मिलेगा आपको। और फिर आपका सेटिंग्स का UI ऐसा कुछ लुक के साथ देखने को मिलता है जैसे कि देख सकते हैं। तो आपका जो ये भी बेसिकली बोल सकते हैं कि रियलमी UI से इंस्पायर्ड टॉगल्स है। आपको सेपरेशन जो है ये आपको iOS इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन में भी आपको iOS इंस्पायर्ड जो है सेपरेशन और UI चेंजेस वो आपको देखने को मिलता है। आपका डिटेल इन्फो स्पेक्स में भी सेम चेंजेस देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपका डिस्प्ले में भी सेम चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाएगा इसका बाकी जैसे कि पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो उसमें भी आपको iOS इंस्पायर्ड जो है चेंजेस या बोल सकते हैं UI लुक इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। और आपका एडिशनल सेटिंग्स में भी सेम चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए था तो एक बार ये थीम ट्राई करके देखो। डायलर मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होगा क्योंकि गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप है तो चेंज नहीं होने वाला, MIUI का डायलर और मैसेजेस ऐप है तो चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम स्लाइडर चेंज होना चाहिए था बट वो नहीं होता है क्योंकि कंट्रोल सेंटर में नहीं होता, तो वॉल्यूम स्लाइडर भी नहीं होगा। अब आते हैं इसका लॉक स्क्रीन में, चूँकि लॉक स्क्रीन इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा कुछ लुक के साथ देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन जो कि iOS इंस्पायर्ड जो आपको विजेट देखने को मिलता है, iOS इंस्पायर्ड आपको AOD देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको OnePlus का फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है अंडर डिस्प्ले वाला। और फिर आपको जो डबल टैप की जाए तो आपको काफ़ी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा AOD में जाते हुए। और आपको स्वाइप डाउन करने से स्टैंड बाई मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ नया स्टैंड बाई स्क्रीन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको एडेड बोनस देखने को मिलता है अगर आपको ऐसा कुछ लॉक स्क्रीन चाहिए था iOS इंस्पायर्ड जिसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन हो तो ये ट्राई कर सकते हैं। होल्ड कीजिए तो आपका एडिट, मतलब अगर आप विजेट में होल्ड कीजिए तो आपको जो है वॉलपेपर एडिट करने का या चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और फिर अपने हिसाब से जो है आप विजेट को पोजिशन कर सकते हैं। और बाकी आपको और भी इसका कस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको जाना होगा थीम में, थीम ऐप में चाहिए, माई प्रोफाइल में चाहिए, फिर आप चाहिए लॉक स्क्रीन में, कस्टम में टैप कीजिए तो आपको जो और कस्टम कर मतलब कस्टमाइज या कस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये थीम चाहिए चाहे आप सर्च करो थीम स्टोर में CJ V6 और बताओ कैसा लगा ये आपको थीम CJ V6। आई होप आपको ये थीम पसंद आया होगा और थीम मिल गया होगा तो चाहो जल्दी डाउनलोड करो CJ V6। आई होप आपको थीम मिल गया होगा क्योंकि थीम बहुत ही जल्दी आजकल डिलीट हो जाता है Xiaomi जो कि कर रहा है। तो जाओ डाउनलोड कर लो इसको। और पसंद आया वीडियो तो जाओ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में इस वीडियो में जो लाइक 111 रखते कंप्लीट कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।